Hello students, welcome to KD Campus Online Lectures. This is Nitin Dahiya, Reasoning Faculty. आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कैलेंडर में मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 2 जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो मॉड्यूल 1 में जो हमने सीखा है वो जरूर आप देखेंगे वीडियो लेक्चर, उसके बाद ही आप अच्छे से सीख पाएंगे मॉड्यूल 2. तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं पास्ट में कि मॉड्यूल 1 में हमने क्या डिस्कस किया था. दोस्तों हमने मॉड्यूल 1 में देखा था कि एग्जामिनर क्या करता है, अपनी तरफ से कोई भी एक डेट देता है और पूछता है कि गिवन डेट पर बताइए वीक का कौन सा डे था या फिर होगा. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो हमारी डेट बन करके आई है अब की बार उसने दी है कि 27th of August 2027 को आप बताइए वीक का कौन सा डे होगा. तो हम किस तरीके से सोल्व करते थे अपने कोड्स का यूज करते हुए ट्रिक के साथ, हम सबसे पहले लिखते थे दोस्तों डेट. यहाँ पर आई 27 तो हमने लिखा 27. आफ्टर दैट अगस्त में हमारे कितने बड़े काम हुए थे, 3. तो ट्रिक से याद किया था अगस्त का कोड हमारा होगा दोस्तों 3. इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2000 सेंचुरी आई है जिसका कोड हमारा कितना था, 6. आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो यहाँ पर हमारे बन करके आए इस सेंचुरी में वो कितने आए दोस्तों, 27. एंड जब हम निकालेंगे लीप ईयर्स 27 ईयर्स में 4 से डिवाइड करके तो ये कितने पर कट होगा, 4 6 24. तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स हेयर आर 6 एंड डिवाइड हम करेंगे दोस्तों किससे, 7 से. इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, 27 एंड 3 विल बी 30, 36, 36 एंड 6 कितना होगा, 42, 42 एंड 7 49, राउंड फिगर 50 मान लेते हैं, 50 एंड 20 70, एक ज़्यादा माना था वो कम कर देते हैं, टोटल करके हमारा कितना आएगा दोस्तों, 69 एंड डिवाइड हम करेंगे किससे, 7 से. 7 9 63, लास्ट में हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 6. 7 9 63 एंड 69 में से जब आप 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 6. जी हाँ, हम क्या करते थे लास्ट में हमेशा देखते थे कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, जो यहाँ पर कितना बचेगा, 6. और हमें याद है कि सर अगर रिमाइंडर हमारा 6 बचता है तो हमारा डे वीक का कौन सा बन करके आता है, फ्राइडे. तो हेयर आर आंसर विल बी दोस्तों फ्राइडे. इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, आज मॉड्यूल 2 में क्या हम हल्की सी चेंजमेंट सीखेंगे वो देख लेते हैं. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 में किस तरीके से हमारी चेंजमेंट बन करके आती है वो हम देखेंगे. जैसे कि दोस्तों अब की बार जो क्वेश्चन हमारा बन करके आया उसमें एग्जामिनर ने पूछा कि आप हमें बताएंगे कि 29th of Feb 2016 को वीक का कौन सा डे था. और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साथ के साथ एक डेट और देंगे. लेकिन उससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई डेट दी जाती है तो टीचर के समझाने से पहले जब आप एक बार तरीका सीख चुके तो आप दोस्तों पहले खुद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को ऑन टिप्स अच्छे से सीख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के साथ. तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि सर ने किस तरीके से ये सोल्व करवाया. तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं. यहाँ पर दोस्तों डेट जो हमारी बन करके आई है वो 29, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 29, इसके बाद प्लस फेब में चेंजमेंट आती है कितने साल में, 4 साल में. देन 2000 यहाँ पर सेंचुरी आई है जिसका कोड कितना होगा दोस्तों, 6. इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे यहाँ पर कितने आए भाई, 16. और लीप ईयर जब आप निकालेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से डिवाइड करके तो सर 4 4 16, लीप ईयर्स हमारे यहाँ पर कितने बन करके आए दोस्तों, 4. और हम डिवाइड इसे करेंगे कंप्लीटली किससे, 7 से. बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, 29 एंड 4 33, 33 एंड 6 विल बी दोस्तों 39, 39 एंड 6 45, 55 एंड 4 कितना होगा, 59. डिवाइड हम किससे करेंगे, 7 से. लास्ट में जो हमने क्वेश्चन ट्राई किए थे मॉड्यूल 1 में और अभी आते ही जो आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले अभी बोला था सोल्व करके दिखाया था, यह क्या हमने मॉड्यूल 1 में सीखा था, उनमें और इस क्वेश्चन में दोस्तों हल्का सा डिफरेंस है. जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आए थे 16, इनको जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया हमारा किससे, 4 से. और जब ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ इसका मतलब मैं इसे क्या बोलूंगा कि सर 2016 जो हमारा आया है वो हमारा कौन सा ईयर आया दोस्तों, एक लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर. और आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, नया पॉइंट जो आप अभी सीखेंगे वो क्या कि सर जब भी गिवन डेट में जो ईयर हमारा आता है अगर वो आ जाता है एक लीप ईयर, जैसे आया हमारा 2016, और कैसे पता चलेगा लीप ईयर है यानी कि अगर सर इसके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गए हैं जैसे कि 16, तो इसका मतलब हमारा ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर. तो आप हमें बताएंगे कि लीप ईयर बनता किसकी वजह से, ऑफ कोर्स किसकी वजह से दोस्तों,
29th ऑफ फेब की वजह से, कि एक ये तारीख हमारी है कि ये दिन हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या बन जाता है, लीप ईयर। तो आपको एक नया पॉइंट यहां पर सीखना, एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि जब भी गिवन डेट में ईयर हमारा लीप ईयर आ जाता है और तारीख आ जाती है खुद 29 फरवरी जिसने उसको बनाया है, या उससे पहले की, लिख भी देते हैं या उससे पहले की, पहले का मतलब कंप्लीटली मंथ हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फेब का, और इससे पहले अगर हम चले तो कंप्लीटली मंथ किसका हो जाएगा, जैन का। तो अगर हमारी तारीख आ जाती है खुद 29 फरवरी या उससे पहले की, मतलब जनवरी या फरवरी की कोई भी डेट, तो क्या करना आपको होगा, जो टोटल हमारा बन करके आया दोस्तों उसमें से पहले वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। रीजन क्या होगा वो भी बताते हैं आपको, पहले आप आगे बढ़ेंगे 59 माइनस 1 क्या होगा दोस्तों, 58, और डिवाइड हम किससे करेंगे, 7 से, 7 8 56, रिमाइंडर विल बी 2। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा रिमाइंडर 2 बचता है दोस्तों तो डे हमारा कौन सा बन करके आता है, मंडे। तो इसका मतलब ये जो डेट हमारे यहां पर आई है 29th Feb 2016, इस पर डे हमारा कौन सा होगा दोस्तों, मंडे। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन हमारा बन करके आता है कि सर यहां पर जो आपने वन सब्ट्रैक्ट किया इसका रीजन क्या था, आखिरकार क्यों हमें यह करना पड़ा, देखते हैं दोस्तों रीजन क्या होगा। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको गिवन ईयर्स थे, जैसे कि बिल्कुल जो हमने कैलेंडर स्टार्ट किया उसमें हमने आपसे पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारा जब भारत आजाद हुआ था 15th अगस्त 1947 को वीक का कौन सा डे था, तो जब आप टोटल नंबर ऑफ ईयर्स वहां पर आए थे 47, उन्हें 4 से आप डिवाइड कर रहे थे, तो हमारा यहां पर लीप ईयर जो बनकर के आए थे वो कितने आए थे, 4 1 4, अगेन 7 है तो 4 1 4, रिमाइंडर 3 बचा जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं था। हमने देखा कि वहां पर लीप ईयर्स कितने आ चुके हैं दोस्तों, 11, और इससे पहले जो दोस्तों हमारे लीप ईयर आ चुके थे 47 ईयर्स से पहले 11, वो 11 कंप्लीटली बन चुके थे। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि कोई भी जो लीप ईयर होता है वो कंप्लीटली कब बना माना जाता है, कि हाँ ये लीप ईयर बन चुका है कब दोस्तों, कि जिस डेट की वजह से, जिस तारीख की वजह से वो बन रहा है, मतलब 29 फरवरी की वजह से, अगर ये 29 फरवरी हमारी पूरी कंप्लीट हो करके, ये दिन हमारा पूरा बीत करके अगर तारीख आ जाती है 1 मार्च की, तो हम क्या बोलते हैं कि अब जो ईयर है हमारा क्या बन चुका है, एक लीप ईयर। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि 2016 की 29 फरवरी अभी तक चल रही है, क्या दोस्तों 29 फरवरी कंप्लीट होकर के हमारा 1 मार्च आया है, नहीं आया। फिर भी आपने क्या किया, 16 को 4 से डिवाइड किया, ये 4 पर कट हुआ, आपने 4 के 4 लिख दिए यहां पर सर हमारे लीप ईयर। तो दोस्तों इसमें जो चौथा लीप ईयर था, फोर्थ जो लीप ईयर था, कौन सा, खुद हमारा 2016, वो अब तक एक पूरा लीप ईयर नहीं बन पाया। पूरा लीप ईयर वो कब बनेगा, जब इस 29 फरवरी के बाद हमारी डेट क्या आ जाएगी, 1st of March 2016। तो आपने अपनी तरफ से दोस्तों एक एक्स्ट्रा यहां पर लीप ईयर जो बना भी नहीं था उसको ऐड कर दिया, दैट्स वाई यही एक रीजन था कि हमें यहां पर एक क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसी के साथ एक और इजिली जिससे आप समझ जाएं, एक छोटा सा पॉइंट और आपको समझाते हैं, अगर आपको इससे समझने में दिक्कत आई है, परेशानी आई है, वैसे तो ये काफी आसान था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसे। हमने क्या किया था भाई, यहां पर 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 पर कट हुआ, 4 के 4 लिख दिए सर हमारे यहां पर लीप ईयर कितने आए, 4, जबकि जो चौथा हमारा लीप ईयर आया दोस्तों, 4 जो, वो तो अभी तक कंप्लीटली बना भी नहीं है। ये 2016 तभी तो लीप ईयर कहलाएगा कि पूरा बन चुका है, जब ये 29 फरवरी हमारी कंप्लीट होकर के दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, 1 मार्च 2016 आ जाएगी। ये कंप्लीटली बना नहीं था, हमने फिर भी एक्स्ट्रा लिख दिया था 4 के 4, इसलिए यहां पर एक हमें क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट। सेकेंडली एक और चीज हम देखेंगे यहां पर कि किस तरीके से और हम अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों कि आप हमें बताएंगे कि जो इस ईयर की 2016 की यहां पर 29th ऑफ फेब आई है, इसके तुरंत बाद डेट कौन सी होगी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि डेट हमारी कौन सी आएगी। क्या हम पूछना चाहते हैं कि यहां पर जो हमारा बन करके आया था 29th फेब 2016, अगर हम पूछे इसके बाद डेट कौन सी आते हैं, तो आप सब हमें बताएंगे सर इसके बाद हमारी डेट आ जाएगी 1st ऑफ मार्च 2016, 1 मार्च 2016। तो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि जल्दी से बताइए दिन कौन सा होगा, तो आप लिखेंगे सबसे पहले डेट 1 तो 1, मार्च 4 से याद किया था दोस्तों, मार्च का कोड 4, आफ्टर दैट 2000 सेंचुरी का कोड हमारा 6, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे यहां पर कितने हैं, 16, एंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स विल बी 4, एंड आप डिवाइड कर देते हैं इसे किससे कंप्लीटली, 7 से।
तो जब आप इसे 7 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अभी हम इसे डिवाइड करेंगे अभी किससे भाई, 7 से। तो सेकंड, जब आप इसको कंप्लीटली 7 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आप ऐड करके देखेंगे टोटल हमारा कितना बन करके आया, 1 एंड 4 5 5 एंड 6 11 11 एंड 16 विल बी 27, 27 एंड 4 विल बी 31 एंड डिवाइड आप करेंगे किससे, 7 से। तो जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर देखेंगे 7 4 28 एंड रिमाइंडर विल बी सर 3 और 3 पर हमारा दिन कौन सा होगा दोस्तों, ट्यूसडे। ये हमारा आंसर बन करके आया है कि सर हमारा जो 1st of March 2016 आया यहाँ पर हमारा डे कौन सा होगा, ट्यूसडे। यही तो हम आपको समझाना चाहते थे। देखिए अगर आप दोस्तों यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो आप सीधा 59 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 8 56 रिमाइंडर विल बी 3 और रिमाइंडर जब 3 बचेगा दोस्तों तो डे हमारा कौन सा बन करके आएगा, ट्यूसडे। क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी दो लगातार तारीख आई है 21 साल की, 29 फरवरी के तुरंत बाद आया 1 मार्च और उन पर डे भी सेम आ जाए, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सर। अगर यहाँ पर ट्यूसडे होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वेडनेसडे। दैट्स व्हाई एक रीजन होता है, एक कारण होता है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ जाता है, कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए 1 मार्च से पहले की जो भी डेट होती हैं उसमें अगर हम ये तरीका अपनाएंगे तो गलत होगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मंडे आया, इसके तुरंत बाद जो डे आया था यहाँ पर क्या आ गया, ट्यूसडे, और कैलेंडर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बैलेंस। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि सर जब भी गिवन ईयर हमारा एक लीप ईयर आ जाएगा और डेट आ जाएगी जन या फेब के मंथ की तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से पहले एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों किससे, 7 से। इसी के साथ आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपने अभी सीखा ये स्टार डाल के आप लिखेंगे और वो पॉइंट लिखने के बाद आप एग्जाम्पल में इन्हें लिख लेंगे। किस तरीके से पॉइंट आपको क्या लिखना है वो बता देते हैं। आप दोस्तों स्टार डाल करके लिखेंगे कि इफ द गिवन ईयर इन द क्वेश्चन इज अ लीप ईयर, अगर हमारा जो ईयर है वो क्या बन करके आ जाए दोस्तों, एक लीप ईयर बन के आ जाए तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप टू पॉइंट्स इन आवर माइंड। जो पहला पॉइंट होगा वो क्या कहता है, इफ द गिवन डेट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, अगर आपकी डेट आई जनवरी या फरवरी की तो आपको दोस्तों पहले सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा किसमें से, टोटल में से, बिफोर डिवाइडिंग इट बाय 7। ये आप यूं क्या लिखे हैं, इफ द गिवन डेट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द टोटल बिफोर डिवाइडिंग इट बाय 7। और ये सिर्फ कब होगा दोस्तों, जब जो हमारा गिवन ईयर आया है वो हमारा क्या बनकर के आएगा, एक लीप ईयर बनकर के आएगा। ये हमारा रूल सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि इफ द गिवन ईयर इन द क्वेश्चन इज अ लीप ईयर, सिर्फ तभी हमें एक्शन लेना है। ये स्टार डाल के रुपए पॉइंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपको भी मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया था उसमें एग्जाम्पल नीचे लिखेंगे आप 29 फेब 2016 का, कि सर हमारा लीप ईयर भी आया और डेट किसकी आई है, जन या फेब की, तो पहले टोटल में से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। और इसी के साथ जब आप ये एग्जाम्पल उसके नीचे लिखेंगे जिससे आपका क्या होगा, पॉइंट्स लिखने के बाद जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो दोस्तों साइड बाय साइड आप अपने अच्छे से नोट्स तैयार करते जा रहे हैं रीजनिंग के, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और साथ के साथ कॉन्टिप्स आप सारी चीज़ें याद रख पाएंगे। इसी के बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 आफ्टर दैट, क्या, बट इफ द गिवन डेट इज नॉट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, लेकिन अगर जो आपकी डेट आ जाती है दोस्तों वो जैन या फेब की ना आए एक लीप ईयर में, देन देर इज नो नीड टू मेक एनी चेंजमेंट इन आवर फार्मूला। तो हमें अपने फार्मूला जो हमने सीखा था, जो हमने अपनी ट्रिक सीखी थी, उसमें किसी भी चेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, ना तो दोस्तों हम कुछ ऐड करेंगे ना हम क्या करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे किस चीज को, जो आपको पहले सिखाया गया था यहां पर, ये 1st of March 2016 आप लिख सकते हैं कि सर हमारा गिवन ईयर यहां पर एक लीप ईयर आया लेकिन जो डेट थी वो जैन या फेब की नहीं थी, वो मार्च की थी, तो हमें ना तो यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ा ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। जनरली जो हम सीधा सीखते आए थे उसी मेथड से हम चले और अपना डे निकाल लिया, डे हमारा क्या बनकर के आया है, ट्यूसडे। तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। इसी के साथ हम बढ़ना चाहेंगे आगे। अब क्या होता है कि अगर हम आपको कहें
कुछ एक क्वेश्चंस और जब आपने ट्राई किए होंगे तो आपके माइंड में वो बन करके आएंगे बिल्कुल आपके मॉड्यूल वन के। जब आप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर मॉड्यूल वन क्या करते हैं, क्वेश्चन जब ट्राई करते हैं तो उनके सामने कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो हल्का सा पजल हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर खुद ही हम स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है तो हम पहले ही बता देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आए होंगे बन करके, कुछ एक आपने अपने बुक में भी देखे होंगे कि अगर यहाँ पर डेट हमारी आई है दोस्तों 15th of Jan 1900, तो सर अब हमें क्या करना होगा। यहां पर ना तो टोटल ईयर्स आए हैं ना हमारे लीप ईयर्स आए, तो हम यहां पर क्या करेंगे चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले डेट 15 आई है तो आप 15 लिखेंगे, जैन का कोड 1 होता है, 1900 का कोड 0, टोटल ईयर्स 0, और जब टोटल ईयर्स 0 है तो लीप ईयर भी कितने होंगे 0, और डिवाइड हम किससे करेंगे दोस्तों 7 से। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि whenever to find out that the given century year is a leap year or not, कि जब भी हम ये देखना चाहते हैं कि जो given century year है, जो एक शताब्दी वर्ष आया है, वो खुद एक leap year है या नहीं, हम उसे 4 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करके देखेंगे भाई 400 से। क्योंकि किसी भी ईयर को देखने के लिए, ईयर जो नॉर्मली हमारे चलते हैं जैसे 1917 आया, इसको तो देखने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, लेकिन जब एक सेंचुरी ईयर की हम बात करेंगे दोस्तों तो इसको चेक करने के लिए कि लीप ईयर है या नहीं, वेदर इट्स अ लीप ईयर और नॉट, हम किससे डिवाइड करते हैं 400 से। तो 00 से 00 क्या 19 4 से कट होगा, नहीं, इसका मतलब सर ये हमारा लीप ईयर नहीं है। और जब लीप ईयर नहीं है दोस्तों तो क्या जैन और फेब की डेट आने के बाद हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं, वो तो सिर्फ कब करते थे हम जब हमारा गिवन ईयर क्या हो जाता था दोस्तों एक लीप ईयर। तो यहां पर हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1900 हमारा कोई भी लीप ईयर नहीं है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक सेंचुरी ईयर की बात आएगी तो उसे लीप ईयर चेक करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं 400 से, ना कि 4 से। एड अप करेंगे 15 प्लस 1 16 बाय 7, 7 टू जा 14, रिमाइंडर विल बी 2, और 2 पर हमारा दिन कौन सा होगा मंडे, ये आप जानते ही हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा मंडे। दूसरी तरफ अगर हम इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हल्की सी चेंजमेंट हम यहां पर करना चाहेंगे अब की बार क्वेश्चन में, यहां जो आपका क्वेश्चन अब की बार हम ले रहे हैं दोस्तों, जो डेट गिवन है वो क्या है 28th of Jan and 2000, या थोड़ा सा और इसमें चेंजमेंट हम करना चाहेंगे क्योंकि कुछ एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में बन करके आते हैं, क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं कि सर किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सोल्व होंगे। जैसे कि यहां पर हम लिख देते हैं डेट 1, 1st of Jan 2000 को हमारा डे कौन सा था ये हमें बताना अब निकाल करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों डेट आई है 1 तो 1, जैन का कोड हमारा कितना होगा 1, 2000 सेंचुरी आई है तो कोड हमारा 6, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 0, लीप ईयर्स विल बी 0, एंड डिवाइड हम करेंगे किससे दोस्तों 7 से। और आपको अभी एक पॉइंट हमने सिखाया वो क्या कि किसी भी सेंचुरी ईयर को देखने के लिए लीप ईयर है या नहीं हम 4 से डिवाइड करते हैं या 400 से, बिल्कुल दोस्तों किससे 400 से, 400 से। तो जब आप 400 से डिवाइड करेंगे 2000 को तो 00 से 00 4 5 20, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 400 से, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर 2000 जो ईयर आया है सेंचुरी ईयर, वो हमारा क्या है एक लीप ईयर। और लीप ईयर आते हम ध्यान देंगे डेट हमारी किसकी आई, डेट किसकी आई दोस्तों जैन की, और आपने सीखा था कि अगर डेट आ जाती है जैन या फेब की तो टोटल में से हमें पहले एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है फिर डिवाइड करते हैं किससे 7 से। तो देख लेते हैं 1 and 1 2 and 6 8 by 7, और अब ये लीप ईयर था और डेट भी जैन या फेब में से किसी एक मंथ की थी तो टोटल में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा दोस्तों क्या 7 by 7, रिमाइंडर विल बी 0, 7 1 7, रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0, और जब 0 हमारा बचता है दोस्तों तो आप सब जानते हैं कि 0 पर हमारा डे कौन सा होता है सैटरडे। तो यहां आपका आंसर क्या बनकर के आ जाएगा दोस्तों सैटरडे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेंचुरी ईयर को देखने के लिए लीप ईयर है या नहीं हम उसे 4 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों 400 से। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे टाइप टू पर। टाइप वन आपकी अब क्लियर हो चुकी है मॉड्यूल वन और कुछ हिस्सा मॉड्यूल टू में। टाइप टू आज हम डिस्कस करेंगे क्या कि यहां पर जो आपका क्वेश्चन बनकर के आया है उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 20th December 1994 वाज संडे, कि अगर 20 दिसंबर 1994 संडे था तो हम लिख लेते हैं दोस्तों क्या इसने बताया है कि 20th of December 1994 हमारा क्या बनकर के आया है संडे।
तो पूछना क्या चाहता है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद कहते हैं ये क्या, देन फाइंड आउट द डे ऑन 24th September 2010। तो हमें बताना है कि 24th September 2010 को डे कौन सा होगा। तो डे आपको निकालने आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सर ने सिखाया था डे कैसे निकालते, तो वो डे निकालना कर देते हैं स्टार्ट। सर जैसे डेट आई 24, तो सबसे पहले 24, एस से सितंबर, एस से कोड याद किया था 6, 2000 सेंचुरी का कोड दोस्तों 6, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे यहाँ पर कितने आए 10, और इसमें लीप ईयर कितने आ जाएंगे 2, और डिवाइड इसे हम करेंगे दोस्तों किससे 7 से, क्योंकि वीक का डे बताना है। तो ऐड कर लेते हैं 24 + 6 = 30, 36 + 46 + 2 कितना होगा 48/7, 7 × 6 = 42, रिमाइंडर विल बी 6, और रिमाइंडर जब 6 हमारा बचता है तो डे हमारा कौन सा बन करके आता है दोस्तों फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपना आंसर क्या लिख देते हैं दोस्तों फ्राइडे, ऐसा नहीं है। जो टाइप 1 आपकी आई थी उसमें क्या करता था एग्जामिनर, सीधी एक डेट दे देता था और पूछता था कि दिन बताइए। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इसने खुद बताया है कि अगर 20 दिसंबर 1994 को संडे है तो बताइए कि 24 सितंबर 2010 को क्या होगा। यहां पर वो हमारे फिफ्थ क्लास के या सेवंथ क्लास के एग्जाम्स ले रहा दोस्तों के, वो आपको साइड बाय साइड में हिंट भी देगा नहीं। अगर उसने आपको किसी डेट के साथ फ्री में दिन भी दिया है तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया गया है। आप क्या करेंगे उस पर यकीन नहीं करेंगे, पहले खुद देखेंगे कि क्या हकीकत में इन रियलिटी द डे ऑन 20th of December 1994 वाज संडे, कि क्या वो संडे था। तो जब आप इसे चेक करते तो आप देखेंगे क्या कि सर सबसे पहले 20 दिसंबर सबसे लास्ट में आता है तो सबसे बड़ा कोड देंगे 6, 1900 सेंचुरी का कोड 0, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर कितने हैं 94, एंड लीप ईयर इसमें कितने आ जाएंगे भाई हमारे 23, और डिवाइड हम किससे करेंगे 7 से। ऐड कर लेते हैं 26 + 94 = 120, 120 + 23 कितना हो जाएगा दोस्तों 143/7, और आपने डिवाइड किया 7 × 2 = 14, 3 बचा, 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 7 से दोस्तों, तो रिमाइंडर विल बी 3 इटसेल्फ, और जब रिमाइंडर हमारा 3 बचता है तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि हमारा डे कौन सा होता है ट्यूसडे। लेकिन इसने ट्यूसडे को क्या कहा है दोस्तों संडे, मतलब आपकी यहां पर क्या की गई है कैलेंडर में ही कोडिंग डिकोडिंग का भी यूज किया गया है। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे एनालॉजी में भी आ जाते हैं कि अगर हम कहते हैं ए को सी तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम एफ को क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ए के बाद बी को छोड़ा और लिख दिया किसको सी को, तो एफ के बाद हम जी को छोड़ेंगे और लिख देंगे किसको एच को। वही कोडिंग डिकोडिंग टाइप में यहां पर यूज किया गया दोस्तों कि हकीकत में तो आंसर हमारा क्या आया था ट्यूसडे, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप रियल डे को आंसर में लिखें। अब ट्यूसडे से अगर मैं संडे को रिलेट करना चाहूंगा दोस्तों तो पीछे चलने पर नजदीक होगा या आगे बढ़ने पर नजदीक होगा, ऑफकोर्स पीछे चलने पर तो पीछे चलते हैं। ट्यूसडे से एक दिन पहले क्या रहा होगा भाई हमारा मंडे, आंसर में नहीं लिखा गया। मंडे से एक दिन पहले चलते हैं क्या रहा होगा भाई हमारा संडे, आंसर में इसने किसे लिखा है संडे। तो दोस्तों सेम जो रिलेशन हमारा यहां पर बना है कि पीछे एक दिन छोड़ करके उससे पीछे वाले दिन को लिखना है, वही रिलेशन आप क्या करेंगे यहां बना देंगे कि सर हकीकत में जो डे आया उसे हम आंसर में नहीं लिख सकते हैं, हम एक दिन पीछे चलेंगे, फ्राइडे से पहले हमारा क्या रहा होगा दोस्तों थर्सडे, वो भी नहीं लिखेंगे, उससे एक दिन और पीछे चलेंगे, थर्सडे से पहले हमारा क्या रहा होगा वेडनेसडे। तो हमारा आंसर यहां पर क्या बन करके आ जाएगा दोस्तों वेडनेसडे। तो टाइप टू का जब भी क्वेश्चन बन करके आएगा कि किसी भी एक गिवन डेट पर वो आपको फ्री में बता देगा कि डे कौन सा है, तो पहले आप उसे चेक करेंगे क्या वो रियलिटी में था, नहीं था तो आप रिलेशन बना लेंगे, आपने देखा पहले एक छोड़ करके एक पहले यहां पर लिया गया है, तो जो दूसरी डेट पूछी गई उसमें आप रियलिटी में डे निकालेंगे और उसमें भी वही रिलेशन बना देंगे कि यहां सर एक छोड़ करके पहले था, तो यहां भी हमने क्या किया एक दिन पहले छोड़ करके उससे पहले वाला दिन लिया। अगर दोस्तों दो दिन छोड़ करके नेक्स्ट होता तो आप क्या करते हैं यहां भी दो दिन बाद में छोड़ करके नेक्स्ट आंसर लिख लेते हैं, मतलब सेम रिलेशन हमें बनाना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल इसका हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि अब की बार जो क्वेश्चन आया है दोस्तों उसमें क्या कहता है कि अगर 24th of December 1970 को था हमारा संडे तो आपको बताना है कि 25th of June 2017 को हमारा डे कौन सा होगा। तो निकाल लेते हैं हम जल्दी से, और जब भी टाइप टू आएगी तो सर ने आपको क्या बताया था कि
कि जो गिवन डेट पर गिवन डे है सबसे पहले हम वो चेक करेंगे ठीक है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 24 दिसंबर का कोड दोस्तों 6 1900 सेंचुरी 0, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आर 70 एंड लीप ईयर यहाँ पर हमारे कितने बन करके आएंगे, अगर आप 70 को डिवाइड करते हैं 4 से तो सर 17 आ जाएंगे, 4 1 4 30 बचेगा, 4 7 28 लीप ईयर विल बी 17 एंड हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से दोस्तों, 24 एंड 6 30, 30 एंड 70 100 117 कितना होगा 117 और डिवाइड आप किससे करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर हमारा जो बन करके आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 7 1 7 बचेगा 4 47, 7 6 42 रिमाइंडर विल बी 5 और जब 5 बचता है दोस्तों तो आपको पता अच्छे से कि यहां पर हमारा आंसर क्या बन करके आता है 5 पे थर्सडे। तो हकीकत में जो हमारा डे बन करके आया दोस्तों वो तो क्या था थर्सडे, लेकिन इसने इसे क्या कहा है संडे। तो यही रिलेशन हमें बनाना है कि सर थर्सडे से बैक चलने पर नजदीक होगा या आगे बढ़ने पर, ऑफ कोर्स आगे बढ़ने पर दोस्तों, तो अब की बार आप आगे बढ़ेंगे। थर्सडे के बाद हमारा जो डे आएगा वो क्या आएगा फ्राइडे, नहीं यूज किया इसने। फ्राइडे के बाद हमारा डे क्या आएगा दोस्तों सैटरडे, वो भी नहीं यूज किया है। सैटरडे के बाद हमारा डे क्या आ जाएगा दोस्तों संडे, उसे कहता है कि आंसर में हम लिखेंगे, मतलब अब की बार बीच में 2 दिन छोड़ करके दोस्तों हमें डे लिखना है तीसरा और आगे बढ़ते हुए। तो सेम काम हम यहां पर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 25 का 25 जून का कोड याद किया था हमने 5 2000 सेंचुरी 6 टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहां पर है 17 एंड लीप ईयर्स विल बी 4 और डिवाइड हम किससे कर देंगे 7 से। ऐड हम कर लेते हैं 25 एंड 5 30 36 36 एंड 4 40 40 एंड 17 हमारा कितना बन जाएगा भाई 57/7 7 8 56 रिमाइंडर विल बी 1 जब आप यहां पर कट करेंगे रिमाइंडर विल बी 1 और जब 1 बचता है दोस्तों तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर हमारा डे कौन सा बन करके आता है संडे। लेकिन क्या दोस्तों रियलिटी में जो डे आया था उसे आंसर में लिखना था हमें, नहीं लिखना था, उसके बाद बीच में 2 छोड़ने थे, 1 और 2 और थर्ड को लिखना था। तो संडे के बाद हम सबसे पहले किसे छोड़ेंगे बीच में मंडे, आफ्टर दैट इग्नोर किया जाएगा किसको भाई ट्यूसडे, और इसके बाद थर्ड लिखना था, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों वेडनेसडे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ तो आप क्या बताएंगे सर वेडनेसडे। तो ये थी दोस्तों हमारी टाइप 2 जिसके क्वेश्चन आपको करने इस तरीके से। अब इसी में क्या करता है एग्जामिनर लेवल बढ़ाने के लिए कुछ एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, किस तरीके से वो ऐड करेगा देख लेते हैं। यहां पर गिवन है दोस्तों क्या कि 15th ऑफ मार्च ऑफ एनी जनरल ईयर, एक एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि ईयर यहां पर हमारा क्या है जनरल, जनरल ईयर क्या होता है जिसमें कितने डेज होते हैं दोस्तों 365, लीप ईयर में कितने होते हैं 366। तो जनरल ईयर का मतलब है कि सर 365 डेज वाला हमारा ईयर है और उसमें कहता है कि 15 जो मार्च हमारी बन करके आई है कि कोई भी एक जनरल ईयर है, ईयर आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर किसी भी जनरल ईयर की ईयर नहीं बताए जो 15 मार्च है उस पर डे हमारा कौन सा होगा फ्राइडे। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द डे ऑन 24th नवंबर ऑफ द सेम ईयर, जो उसी ईयर की हमारी 24th नवंबर होगी उस पर डे कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं इसमें अटक जाते हैं कि सर हाउ कैन वी सोल्व इट, हम इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यहां पर डेट तो है हमारी लेकिन ईयर जो है वो तो मेंशन किया ही नहीं है और क्या विदाउट ईयर के हम डे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बेशक क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा, अगर आपको तरीका आ जाता है, ये टाइप 2 आप पहले ही सीख चुके हैं कि एक डेट पर डे गिवन है तो दूसरी पर निकालना आप खुद निकालें, पहले आप खुद कोशिश करेंगे उसके बाद हम समझा देते हैं दोस्तों। तो यहां पर उसने जो हमारा ईयर था वो गिवन नहीं था दोस्तों, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन आपको ये तो बताया गया था कि जो डेट है वो किसकी है दोस्तों, किसी भी एक जनरल ईयर की है। मतलब आप क्या कर सकते हैं पहला पॉइंट तो कि कोई भी एक जनरल ईयर खुद की तरफ से मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं सर 1901, तो यहां पर भी आप क्या बना देंगे 1901। अब तो आपका टाइप 2 की तरह क्वेश्चन बन गया दोस्तों, तो क्या हो चुका है बिल्कुल आसान, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसमें अपना थोड़ा सा और टाइम बचाएंगे, किस तरीके से कि अगर ईयर हमारा सेम है दोनों में 1901 आया है तो आप इसमें सेंचुरी का कोड 1900 का कितना लिखेंगे 0, टोटल ईयर्स कितने लिखेंगे 1
और जब टोटल ईयर ही वन है तो क्या इसमें कोई लीप ईयर आएगा? नहीं, फोर जीरो जा जीरो, लीप ईयर विल बी जीरो। यहां पर भी 1900 का कोड दोस्तों जीरो, टोटल ईयर्स वन और लीप ईयर विल बी जीरो। तो अगर यहां पर सेम ईयर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पिछला जो तीन हमारे यहां पर डिजिट बन करके आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सेम। तो क्या दोस्तों अगर कोई चेंजमेंट ही नहीं होगी, दोनों चीजें बिल्कुल सेम होगी, तो क्या यह लिखने का फायदा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर जब ईयर लिखने के बाद कोई चेंजमेंट ही नहीं आई, 010010 सेम था, तो लिखने का फायदा क्या हुआ? तभी तो यूज करेंगे जब कोई चेंजमेंट होगी। तो क्या होता है, यहां से आप एक छोटा सा पॉइंट और सीख लेंगे अभी के अभी कि सर अगर हमारा ये बताया गया है कि एक ही साल के दो महीनों के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पर हमें ईयर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईयर अगर सेम होता है दोस्तों तो लास्ट का डाटा हमारा क्या हो जाता है? सेम। तो आप क्या करेंगे, विदाउट ईयर के सीधा जो आप सोल्व करते हैं वही सोल्व करेंगे। 15 का 15, मार्च का कोड 4, डिवाइड आप करेंगे किससे? 7 से। 15 एंड 4 19 बाय 7, 7 टू जा 14, रिमाइंडर विल बी 5, और जब रिमाइंडर 5 बचता है तो डे हमारा कौन सा होता है दोस्तों? थर्सडे। डे हमारा होता है थर्सडे, लेकिन इसने इसको यहां पर थर्सडे कहा है? नहीं कहा। थर्सडे की जगह इसने क्या कहा? फ्राइडे। मतलब रियलिटी में जो आपका डे आएगा, आप उससे जो नेक्स्ट डे है उसे अपने आंसर में लिखेंगे। सेम काम हम यहां पर करते हैं दोस्तों, 24 का 24 है, नवंबर का कोड हमें याद है 4, और डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। यह आ गया 28 बाय 7, 7 4 28, रिमाइंडर विल बी 0। और आप सीख चुके हैं कि सर अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो हमारा डे यहां पर कौन सा बनकर के आता है? भाई सैटरडे। लेकिन जब हम देख सकते हैं कि रियल डे को इसने नहीं लिखा, उससे नेक्स्ट को लिखा है, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे सैटरडे के बाद एक दिन आगे, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? संडे। तो ये था दोस्तों इसका पहला मेथड सोल्व करने का जो आप सीख चुके हैं। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और इस मेथड को लिख लेंगे, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं इससे भी शॉर्टेस्ट ट्रिक, सबसे छोटी ट्रिक, क्योंकि केडी कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स में अपने जो स्टूडेंट्स होंगे दोस्तों उनको ट्रीट किया जाएगा बिल्कुल एक रेगुलर बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरह। आपको सबसे छोटी ट्रिक सही सिखाई जाएंगी, किस तरीके से ये लिख लेंगे आप वीडियो को पॉज करके, और ट्रिक हम आपको बता देते हैं कि क्या आपका तरीका रहेगा उस ट्रिक के लिए। आपको एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना होगा, वो क्या ध्यान रखना होगा दोस्तों अभी बताते हैं। एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है क्या कि सर अगर सेम ईयर के कोई भी ऐसे दो मंथ आ जाएं, कोई भी ऐसे दो महीने आ जाएं जिनके कोड क्या हो? सेम हो, आप कहेंगे कि उनकी सेम डेट पर क्या होगा दोस्तों? सेम डे होगा। उनकी सेम डेट पर क्या आ जाएगा? सेम डे। जैसे कि यहां पर गिवन था 15th ऑफ मार्च ऑफ एनी ईयर वॉज फ्राइडे, कि वो हमारा क्या है? फ्राइडे। तो आप बताएंगे उसी साल की 24 नवंबर को दिन कौन सा होगा? हमने कोड याद किया था दोस्तों, मार्च का कोड हमारा कितना था? 4। नवंबर का कोड भी कितना था? 4। तो हम ये आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर एक ही साल के ऐसे दो महीने आ जाएं जिनके कोड सेम हो, जैसे यहां भी 4 है यहां भी 4 है, दोनों मंथ्स के कोड सेम है, तो दोस्तों जो इनकी सेम डेट होगी उस पर सेम दिन होगा। मतलब इसी साल जो हमारी 15th ऑफ नवंबर बनकर के आएगी उस पर भी डे कौन सा होगा? भाई हमारा फ्राइडे, क्योंकि एक ही साल के महीने और दोनों का कोड क्या है? सेम। हमें जाना है दोस्तों 24 नवंबर तक, मतलब आगे बढ़ेंगे, कोई भी दिन खुद को 7 दिन के बाद दोहराता है, तो 15 प्लस 7, मतलब सर 22 नवंबर को, 22nd ऑफ नवंबर को हमारा दोबारा जो डे आएगा वो कौन सा आएगा दोस्तों? फ्राइडे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे एक दिन 23rd, तो आप कहेंगे कि सर 23rd ऑफ जो नवंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एक दिन? यहां से भी हम आगे बढ़ेंगे सैटरडे, लेकिन जाना हमें 24th नवंबर तक, तो 24th नवंबर को आप जब चेक करेंगे दोस्तों तो सैटरडे के बाद एक दिन और आगे बढ़ जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? संडे, जो आपने अपने मेथड वन से अभी पीछे निकाला था। तो अगर आप इस ट्रिक को ध्यान में रखते हैं तो आप विदाउट पेन उठाए इजीली बता सकते हैं किस तरीके से कि सर अगर 15th मार्च को उस साल फ्राइडे है तो 15th नवंबर को भी क्या होगा? फ्राइडे। सर 15 एंड 7 22 जो तारीख आएगी उस पर भी क्या होगा? फ्राइडे। फिर 23 को हो जाएगा सैटरडे और 24 को हमारा आंसर क्या आ जाएगा? संडे। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? काफी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट को दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखवाना चाहेंगे बिल्कुल स्टार डाल करके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और हम पूछना चाहेंगे। थोड़ा सा लॉजिकली दोस्तों क्वेश्चन को घुमाया गया है
यहां पर जो तारीख आई है वो क्या है, ध्यान से आप देखेंगे, 29th है। इफ 29th फरवरी ऑफ एनी ईयर, तो आप मुझे बताएंगे कि अगर 29th फरवरी आई है तो एक जनरल ईयर है या एक लीप ईयर है। ऑफ कोर्स दोस्तों वो क्या होगा, एक लीप ईयर हमारा होगा। तो यहां पर जो ईयर आया वो क्या आया है, लीप ईयर। और अगर मैं दोस्तों बात करूंगा मंथ्स के कोड की, तो आपको कुछ इस तरीके से कोड लिखवाए गए थे कि जैन का कोड 1 होता है, आफ्टर दैट फेब का कोड 4 होता है, याद किया था हमने, मार्च का कोड 4 होता है, इसके बाद हम बात करें अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना था दोस्तों, 0। आपने टाइप 2 में आज ही जब स्टार्ट करने से पहले मॉड्यूल 2 को सीखा तो उसमें एक चीज सीखी थी कि सर अगर हमारा ईयर एक लीप ईयर आ जाता है और डेट आ जाती है जैन या फेब की, तो टोटल में से हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आप वही करते हैं कोड्स के लिए कि जितने भी कोड्स हैं दोस्तों हमारे सबके बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन जब हम एक लीप ईयर की बात करते हैं तो वो जो हम एक सब्ट्रैक्ट किया था वो इनडायरेक्टली दोस्तों किस में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इनके कोड में से। तो जब आप एक लीप ईयर में जैन के कोड जो होता है 1 उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना बच जाएगा, 0। फेब का 4 होता है, लीप ईयर की वजह से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फेब का कोड एक लीप ईयर में कितना बच जाता है दोस्तों, 3। तो ये आप स्टार डाल करके अपने कोड्स में लिख लेंगे कि जो कोड हमने लिखे थे ये थे सर जनरल ईयर के लिए, और जब लीप ईयर की बात करेंगे तो बाकी सारे कोड सारे महीनों के सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ जैन फेब में चेंजमेंट आ जाएगी कि वहां पर जो हम एक सब्ट्रैक्ट करते थे वहां पर हम क्या कर सकते थे, एक सब्ट्रैक्ट करने की जगह लिख सकते थे इनका कोड 0 और 3 भी, जब भी आंसर ठीक आ जाता हमारा। और आप याद रखें कि सर लीप ईयर में जैन का कोड हो जाता है 0 एंड फेब का कोड हमारा कितना हो जाता है, 3। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि अगर किसी भी साल की 29 जो फरवरी आई है दोस्तों, 29th ऑफ फेब जो हमारी बन करके आई है वो आई है ट्यूसडे, तो इसने पूछा है क्या कि विच मंथ ऑफ द सेम ईयर विल हैव ट्यूसडे ऑन इट्स 29th, कि भाई उसी साल के किस महीने की, यहां पर मंथ पूछा गया है, 29 तारीख को ट्यूसडे ही होगा। तो आप पहले ही सीख चुके, अभी सर ने पिछले क्वेश्चन में ट्रिक सिखाई थी कि सर उन्हीं दो महीनों की सेम डेट पर सेम डे हो सकता है जिनके कोड क्या हो, सेम। और 29th फेब आई दोस्तों, एक लीप ईयर आ गया, तो यहां पर फेब का कोड कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पर आप उस मंथ को लिखेंगे दोस्तों जिसका कोड कितना होगा, 3। और 3 कोड की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर जो 3 हमारा कोड होता है वो किस मंथ का होता है भाई, अगस्त का, क्योंकि अगस्त में हमारे कितने बड़े काम हुए थे दोस्तों, 3। तो यहां इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर बनकर के आ जाएगा दोस्तों वो 3 आया, और 3 पर हमारा जो मंथ होता है, 3 कोड जिसका होता है वो हमारा कौन सा होता है, अगस्त। हम आंसर में लिख देंगे सर द मंथ इज अगस्त। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट ट्रिक होंगी जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप नेक्स्ट में स्टार डाल करके पॉइंट दोस्तों क्या करेंगे, लिख भी लेंगे किस तरीके से। बढ़ते हैं आगे हम, यहां पर स्टार डाल करके आप एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, वो क्या पॉइंट आपका रहेगा दोस्तों कि एनी टू मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, एक ही साल के ऐसे 2 महीने विच हैव सेम कोड, जिनके कोड क्या हो जाए, सेम हो जाए, विल हैव सेम डेज ऑन सेम डेट्स, उनकी सेम डेट पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम डे। जैसे कि आपका अगर हम जनरल ईयर की बात करेंगे साधारण वर्ष की, तो आप बता सकते हैं कि साधारण वर्ष में जैन का कोड कितना होता है, 1। तो ऐसा कौन सा मंथ उस साल में आएगा जिसकी सेम डेट पर जैन वाले सेम दिन होंगे, तो आप सीधा बताएंगे सर हमारा अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर का कोड भी कितना होता है, 1। ऐसे ही पेयर बनेगा दोस्तों किसका, दिसंबर का और सितंबर का, क्योंकि इन दोनों के कोड कितने होते हैं दोस्तों, 6। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है किससे, लीप ईयर से। लीप ईयर क्या रहेगा दोस्तों, आपके लिए हल्का सा डेंजरस साबित हो सकता है अगर आपको याद ना रहे तो, क्योंकि लीप ईयर की जब आप बात करेंगे तो जैन का कोड बच जाता है 0, तो अगर लीप ईयर में हम पूछेंगे तो जैन का जो पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा, अप्रैल के साथ, क्योंकि अप्रैल का कोड भी कितना होता है दोस्तों, 0। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कैलेंडर के नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 3 में। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।